वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, क्या कुछ हाल चल रहे हैं शिबा इनू के और क्या कुछ हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। पिछले दो दिन से ही क्रिप्टो मार्केट जो है यहाँ पे एक अच्छी सिचुएशन हमको नहीं दिखा रहा है। बिटकॉइन के प्राइस 22,700 पे चल रहे थे अच्छे भले, और 23,000 को भी टच किया, लेकिन वहाँ पे ठहर नहीं पाया, प्राइस को होल्ड नहीं कर पाया और बिटकॉइन सीधा आ गया 21,000 पे। 20,700 का भी लो हिट करके आया लास्ट 24 आवर में, मतलब 20,700 पे भी लेवल आ गए। कहाँ तो 22,700, 23,000 और कहाँ 20,700। तो ये जो प्राइस नीचे आया बिटकॉइन का, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि फेड की मीटिंग है, कल भी हुई थी, आज भी होने वाली है, और जब ये वीडियो आपके पास आएगा तो हो सकता है ये मीटिंग का रिजल्ट भी आ जाए। तो सब जो रिजल्ट आएगा वो हम आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा होता है जो क्रिप्टो मार्केट का रिएक्शन हमको और भी नीचे का देखने को, मतलब मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो हमको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो वेट कीजिए फेड की मीटिंग का, FOMC की मीटिंग का, जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और क्रिप्टो मार्केट आप देख रहे हो अभी बिटकॉइन 21,300 पे फिर से आ चुका है, ठीक है। 20,000 पे चल रहा था, 21,300 पे आया, अभी थोड़ी सी ग्रीन चल रही है मार्केट। और इथेरियम की बात करें 1450 पे जो है प्राइस चल रहा है, मतलब $1,450 पे चल रहा है, 1,12,000, 1,15,000 इस रेंज में जो है इथेरियम का प्राइस चल रहा है। और $259 पे चल रहा है बाइनेंस कॉइन, 20,000 रुपये पे चल रहे हैं बाइनेंस कॉइन के प्राइस। और शिबा इनू की बात करें तो इम्पैक्ट शिबा इनू पे पड़े हैं, जो बिटकॉइन नीचे आया तो 1070 की जो सीरीज है अभी चल रही है, 1074 पे चल रहा है, 1090 और 1030 के जो 1030 का लो हिट किया लास्ट 24 आवर में, 1090 का हाई हिट किया है, मतलब अभी जो है 1070 पे चल रहा है। 0.4x 1074 की जो सीरीज है वो चल रही है, और 0.0008 की जो सीरीज है वो चल रही है शिबा इनू की इंडियन रुपीज में। ये करंट एक्शन चल रहे हैं शिबा इनू के और पूरे क्रिप्टो मार्केट के। शिबा इनू की लास्ट 24 आवर की बर्निंग की बात कर लें तो 26 मिलियन टोकन ही सप्लाई में से बाहर निकल पाए हैं, इतने ही टोकन जो है लास्ट 24 आवर में बर्न हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट की, सिचुएशन अच्छी नहीं है, बिटकॉइन नीचे जा रहा है और भी नीचे जा सकता है। अगर फेड की मीटिंग का रिजल्ट अच्छा नेगेटिव पड़ा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर तो और भी नीचे जा सकता है, नो डाउट, और शिबा इनू फिर से 50 भी ऐड कर सकता है अगर सिचुएशन यहाँ पे और ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें शिबा इनू को लेके, आज काफ़ी बड़े ट्रांजेक्शन्स भी हुए हैं वेल्स ने, और वेल्स ने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, कितनी वैल्यू के ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में भी हम आज जानेंगे कितनी वैल्यू के ट्रांजेक्शन ये किए हैं। 3 ट्रांजेक्शन किए हैं 2 वेल्स ने। पहला ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे ब्लू वेल 0159 का है, और इस वेल ने जो है यहाँ पे 147 या 187 के समथिंग जो है टोकन्स खरीदे हैं शिबा इनू के। 3 ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, 2 ट्रांजेक्शन गिमली वेल ने किए हैं, और 2 ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे एक ट्रांजेक्शन 147 बिलियन का है, दूसरा ट्रांजेक्शन 187 बिलियन का है, और तीसरा 199 बिलियन का है। ये टोटल जो टोकन्स हैं 534 बिलियन टोकन्स हैं 3 ट्रांजेक्शन के अंदर जो आज वेल्स ने खरीदे हैं। अगर हम वेल्स की एक्टिविटीज़ को देखें तो वेल ऐसे टाइम पे बाइंग करती नहीं है, ठीक है, मतलब मार्केट में जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो, FOMC की मीटिंग होने वाली हो, ऐसे टाइम पे कुछ हलचल वेल की खास देखने को मिलती नहीं है, लेकिन आज 3 ट्रांजेक्शन कर दिए सुबह बड़े बड़े वो भी, तो कहीं ना कहीं वेल्स की एक्टिविटी भी बता रही है कुछ ना कुछ मार्केट में जो है हलचल होने वाली है, और ये फेड की मीटिंग ही बताएगी क्या कुछ होगा, ठीक है। वेल्स ने ट्रांजेक्शन जरूर किए हैं, भर भर के शिवा इनको खरीदा है। 1.9 मिलियन का एक ट्रांजेक्शन है, एक $2 मिलियन का है, और एक $1.5 मिलियन का है। तीनों ट्रांजेक्शन की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो आपकी जो ये वैल्यू बनती है, तो अगर ये जो इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, $2 मिलियन और $1.5 मिलियन, उसके बाद $1.9 मिलियन, तो ये जो ट्रांजेक्शन टोटल बनते हैं $5.5 मिलियन के समथिंग जो है यहाँ पे कैलकुलेट बैठता है। और $5.5 मिलियन के शिबा इनू खरीदे हैं 534 बिलियन टोकन्स, ठीक है। और ये $5.5 मिलियन होता क्या है इंडियन रुपीज में, ये भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि $1 मिलियन कितने होते हैं, तो $1 मिलियन की अगर बात करें, $1 अभी 79 रुपीज़ पे चल रहा है, ठीक है,
तो ये जो $1 मिलियन की अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो 7 करोड़ रुपए होते हैं, 7 करोड़ 90 लाख 92 लाख इस तरह की रेंज चल रही है, क्योंकि डॉलर का जो प्राइस है 79 पे चल रहा है। अब $5.5 मिलियन के खरीदे हैं तो तकरीबन ये जो टोटल इंडियन रुपीज में बैठता है नंबर, ये 43 करोड़ रुपीज का बैठता है, और 43 करोड़ रुपीज के शिबा इनू आज वेल्स ने खरीद लिए। ये इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है। तो बिल्कुल इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो शिबा इनू है यहाँ पे बाय किए गए हैं वेल की तरफ से, और दो वेल्स ने 3 ट्रांजेक्शन के अंदर 43 करोड़ रुपीज, एक बहुत बड़ा नंबर है और काफी बड़ी क्वांटिटी में जो $5.5 मिलियन है वहां पे आज जो है शिबा इनू खरीद लिए हैं। इसके अलावा shopping.io के जो CEO हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ बड़ी चीज कही है। shopping.io के बारे में आपको पता ही होगा, shopping.io भी काफी टाइम से शिबा इनू को सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं बाकी करेंसीज के अलावा भी शिबा इनू को लेकर जो सपोर्ट है वो कहीं ज्यादा है। और shopping.io के जो CEO हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ कही है, एक ट्वीट किया और यहाँ पे कुछ कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर शिबा इनू को लेके कुछ बड़ी चीज़ आने वाली है, कुछ बड़ा हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, आने वाले कमिंग मंथ्स के अंदर देखने को मिल सकता है, वो चीज़ क्या होती है ये टाइम बताएगा। यही कुछ चीज़ें चल रही हैं, यही कुछ हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, शिबा इनू के साथ यही कुछ हुआ है लास्ट 24 आवर में। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो का आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, वो भी बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।